अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा होटल के हवाले से, जो कि मेरा पेशावर में था शेल्टन रेजिडोर में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होटल था। मेरा स्टे जो है वो बहुत कम्फर्टेबल रहा और जो रूम था वो भी बहुत अच्छा था। तो आई होप कि मैंने आपको जो रूम की इन्फॉर्मेशन शेयर की है इससे आपको आइडिया हो गया होगा देखने के बाद के ये रूम जो है वो कम्फर्टेबल है और प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल है। अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हैं इस तरफ तो पेशावर की टेरिटरी में ये एक अच्छी ऑप्शन है स्टे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं आपको इनके ब्रेकफास्ट के बारे में बताऊं तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, क्वालिटी ऑफ फूड था, और मैंने यहाँ पे डिनर भी किया बट उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका ड्यू टू सम रीज़न। बेसिकली अगर मैं आपको क्वालिटी की बताऊँ तो क्वालिटी वॉज गुड, नो डाउट के बुफे ब्रेकफास्ट था बट इतनी जो है ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी खाने की, लेकिन जो खाने की ऑप्शंस अवेलेबल थी उनका टेस्ट अच्छा था। पेशावर में कारहानो बाज़ार विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ और ये इत्तेफाक एक अच्छे एक्सपीरियंस में बदल गया जब मैंने वहाँ की प्रोडक्ट को अपनी लोकल मार्केट के साथ कंपेयर किया क्वालिटी वाइज। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इट वाज अमेजिंग, बहुत ही इकोनॉमिकल थी प्राइस और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो अगर मैं वहाँ के स्पेशली कपड़े की बात करूँ जो कि एक्सपीरियंस मेरा हुआ, और टॉयज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। कभी लाइफ में अगर आप पेशावर जाएं तो कारहानो बाज़ार को ज़रूर विज़िट करें। और कंपनी वगैरह का कोई नहीं है इसमें ये है जी काबुल रिवर, जो कि आई होप सो के काबुल से आ रहा है और काफ़ी बड़ा दरिया है, जो देखने में लग रहा है कि ये अच्छा खासा बड़ा दरिया है। और इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन बनती है M1 मोटरवे के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।